हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार स्टेट कॉमर्स के संबंध में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेट का अनाउंसमेंट हो गया है कि एग्जाम आप लोग का कॉमर्स वालों का 9 तारीख को है। वैसे तो एग्जाम 4 तारीख से ही शुरू है, लेकिन आप लोग का एग्जाम 9 सितम्बर, मतलब 9 सितम्बर से है। तो 9 सितम्बर को कॉमर्स वालों का डेट पड़ा है, तो आइए उसके संबंध में कुछ स्ट्रेटजी जानते हैं। मान के चलिए कि वैसे तो एग्जाम का तो समय समझिए 9 तारीख को है तो 9 दिन हुआ, लेकिन 9 दिन में से 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाएगा। एक दिन तो एग्जाम ही होगा, 1-2 दिन आने जाने में डिस्टर्ब होंगे। तो आपको बताते हैं कि लास्ट 7 डेट की स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है, कैसे तैयारी करें, क्योंकि इस 7 दिनों में कितना पढ़ ले रहे हैं यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अब ये भी चीज़ है प्रश्न, कैसे पढ़ पाएंगे, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि बीपीएससी अक्सर देखते हैं, पिछले बार भी ऐसे ही किया था, समय तो लंबा दिया था कि लास्ट टाइम में सिलेबस बदल दिया था, इस बार क्या किया, फॉर्म भराया, तुरंत कह दिया कि कल से मैंने 10 दिन बाद एग्जाम है। तो खैर, अब उसकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन आपको भी उसमें तैयार होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पहले से भी तैयार थे, अब बहुत सारे अब तैयारी शुरू कर रहे थे, तो इस 7 दिनों में कैसे पढ़ें, लेकिन केवल कॉमर्स से रिलेटेड ही बताएंगे, ये भी नहीं कि सारा सिलेबस। क्योंकि ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय पूरा चाहेंगे कि पढ़ लेना तो पॉसिबल नहीं, आप उसको ज्यादा कवर करिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से मेन है आपका कॉमर्स, तो पूरा 100 मार्क्स का आएगा, 150 के पेपर होंगे, 50 नंबर बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ भी करेंगे कुछ तो सही होगा, लेकिन 100 नंबर पे ज्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव है, जो हमारा सब्जेक्टिव है या जो विषयवार है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस या मायने रखता है, क्योंकि आप पहले से पढ़े भी हैं, बस दोबारा हल्का फुल्का देखना है। इस समय करने की तैयारी ये है, पूरा बुक पढ़ेंगे तैयारी नहीं होगी। तो सीधा सा तरीका है, जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट है, जितना भी मॉक टेस्ट, जितना भी MCQ क्वेश्चंस है, जो भी आपके पास बुक है, जैसे मान लीजिए कि सिलेबस जारी कर दिया गया है, अकाउंटेंसी है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, कंपनी है, वो है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, या स्टैटिक्स है, या बिजनेस लॉ है, बहुत सारे टॉपिक है, ऑडिटिंग है, तो उन सबका अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करिए। पिछले लास्ट ईयर का कुछ साल वो पेपर आया है, उसको प्रैक्टिस करिए, नीचे उसके नोट में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, उसको समझिए। क्योंकि अब बुक पढ़ेंगे तो काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको इतने कम, और ये भी चीज़ है, पढ़ाई की स्पीड, पढ़ाई की टाइमिंग थोड़ा वो भी बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा पहले पढ़ते थे तो अब उतने से काम नहीं होगा। ये मान लीजिए कि डेली इस 8-9 दिन जो भी बचा हुआ है, इसमें कम से कम 7 से 8 घंटा समय निकालिए। हाँ, कंटिन्यू नहीं हो, लेकिन अल्टरनेट करके हो, लेकिन इतना टाइम निकालना पड़ेगा, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन बेस पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन बेस पे एग्जाम होगा, इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सुने क्या, ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करिए, जो भी बुक लाए हो उसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नज़र में है या पहले से तैयारी किए हैं या नोटबुक बना कर रखे हैं उसको सॉल्व करिए, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़िए, बस सीधे से सीधे आप अपना सब्जेक्ट अर्थात कॉमर्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए। इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि बाकी जो 50 नंबर का है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, इस तरह आप स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक ना। क्योंकि अब ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि पूरा बुक पढ़िए, यदि हाँ आपके पास कुछ समय मिलता है, जो मेन चैप्टर्स वगैरह हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अब उसमें मान लीजिए कॉमर्स में ही मैथ का पार्ट है, अब मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैथ का तो सिलेबस थोड़ा सा है नहीं, बहुत ब्रॉड है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा कोई जरूरत नहीं। अब उसमें स्टेट्स का पार्ट है, वो जल्दी से कवर हो सकता है, क्योंकि बेसिक मैथ आएंगे, तो इस तरह आप पूरा स्ट्रेटजी तैयार, मतलब पहले से थोड़ा सा 1 घंटा समय निकाल के अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि कैसे हमें पढ़ना है। और एक चीज़ और, एग्जाम भले सामने हो, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा केवल आपको क्वालिफाई करना है, अर्थात आपकी जो बाउंड्री है, कट ऑफ जहाँ बनता है, उस कट ऑफ को पार करना है, क्योंकि न ही इसे मेरिट बनेगी, क्योंकि इसके लिए BPSC एग्जाम कंडक्ट कराएगा, फिर इसके आगे मेंस जो कहा जाएगा या सुपरटेट कहा जाएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है। बस इतना ही करिए कि आपका जो कट ऑफ है उससे बाहर हो जाए, बस इतना ही ध्यान दीजिए। इसके लिए 7 डे के स्ट्रेटजी में मैं एक चीज लाया हूँ कि 20 मॉक टेस्ट लाया। मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा था, जैसे कल थोड़ा सा मैं बाहर था,
मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था, लेकिन हमें क्या मालूम कि मुझे तो ये इतना मालूम था कि लास्ट मंथ में तक एग्जाम होगा, लेकिन वो तो इतना जल्दी एग्जाम ले लिया कि पूछिए। तो मैं इतने कम समय के लिए एक रणनीति तैयार किया हूँ, 20 मॉक टेस्ट। 20 मॉक टेस्ट का मतलब है कि 20 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, किसी में 50%, किसी में 100%। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे मॉक टेस्ट में 100% होगा, कुछ में 50 होंगे, कुछ में 100, जो पूरे होल सिलेबस से कवर किए गए होंगे। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें से ज्यादा रहेंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, बीआर कॉमर्स के नाम से होगा, रेड कलर का लोगो लगा होगा। और इसमें दो तरीके के स्टेट के संदर्भ में कोर्स चल रहे होंगे, एक हमारा फुल कोर्स और एक हमारा चल रहा होगा केवल मॉक टेस्ट। एक चीज और बता दें कि जो हमारा कोर्स है ये पूर्णतः हिंदी माध्यम में, मतलब हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में ही सब कुछ हो रहा। देख यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो फुल कोर्स है और एक मॉक टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, फुल कोर्स और मॉक। फुल कोर्स में आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम 2000 के आसपास मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उतना ही मिलेगा। कितना मॉक टेस्ट मिलेगा आपका? नियर अबाउट 20 मॉक टेस्ट। इस कोर्स का प्राइस तो बहुत ज्यादा था, लेकिन आपके टाइमिंग ही इतनी कम है कि मैंने 400 इसको 99 कर। और दूसरा है हमारा कोर्स मॉक टेस्ट, इसमें केवल 20 20 मॉक टेस्ट ही मिलेगा, और इसकी प्राइस रखे हैं 199, बहुत ही लो कॉस्ट है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे हमारा फुल कोर्स लिए हैं वहां पे इन्हें मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगा। और जो ओनली मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उससे ये बेनिफिट रहेगा कि कम से कम 1000 क्वेश्चन उनको मिल जाएंगे, 1000-1200 क्वेश्चन हो जाएंगे उनके पास। 1000-1200 क्वेश्चन में मान लीजिए कि 50% ही मिले, लेकिन मिलेगा उसमें से। तो आप चाहे तो इससे भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी का प्रेशर नहीं है, बाध्यता नहीं है। उसमें से हर एक, यदि फुल कोर्स लेते हैं तो कुछ लेक्चर्स उसमें फ्री रखे होंगे, आप कंटेंट दे सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट लिए होंगे तो उसमें भी एक मॉक टेस्ट फ्री रखे हैं, आप चाहे तो उसका कंटेंट देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चन का हेल्प मिल जाएगा। फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो सोच रहे होंगे इतने कम समय में कैसे हम कवर कर पाएंगे, तो उसकी भी उपाय है, डेली 7-8 लेक्चर देखिए, क्योंकि आपको इसमें 100 से प्लस कंटेंट दिया गया है, तो 7-8 लेक्चर डेली देखना पड़ेगा। जो मेन मेन पॉइंट है उसे नोट करना पड़ेगा, उसके बाद से 2-3 घंटा एमसीक्यू पर फोकस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट पर भी फोकस करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। क्योंकि अभी पीछे स्टेट हुआ था, उसके द्वारा सुपर डेट भी हुआ, बीपीएससी कंडक्ट कराया, फिर से दोबारा तुरंत स्टेट आया, जिस कोई सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। तो खैर, उसकी इच्छा ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इच्छा कब एग्जाम करा रहा है, लेकिन जो भी एग्जाम का डेट घोषित कर दिया, एग्जाम तो होना ही होना है। और रह गई बात आपकी, तो तैयारी आपको भाई स्ट्रिक्टली एकदम मेहनत से करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सोच के करिएगा किसी तरह हमको क्वालिफाई कर जाना, इसमें हाई मेरिट टॉप मेरिट से मतलब नहीं है, बस क्वालिफाई कर जाना, ठीक है। तो इतना ही करना कहना चाह रहे थे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मौका छूटे ना, क्योंकि किसी भी कीमत पर स्टेट इस बार पास होना। और मेरी यही सब किससे कामना है कि जो भी लोग हैं, जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग स्टेट पास हो, ताकि आप अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकें। ऑल द बेस्ट, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।